जयापुर गांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उनके द्वारा गोद लिए गांव जयापुर का कायाकल्प देखकर गांव वाले खुश हैं। ग्रामीणों को इस बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था कि जयापुर गांव की किस्मत सांसद आदर्श ग्राम योजना के जरिए बदलने वाली है। खस्ता हाल सड़कें बनाई गईं, बैंक के काम के लिए दूर जाना पड़ता था, अब दो दो बैंक हैं। पोस्ट ऑफिस की समस्या थी, उससे भी निजात मिली है। श्याम सुंदर जयापुर के रहने वाले हैं। उन्होंने जयापुर की तकदीर बदलते देखी, जयापुर आदर्श ग्राम बनते देखा। यहाँ पे बैंक वगैरह है, सड़क बन गई है, रात में उजाला रहता है, सोलर प्लांट लगा हुआ है, रोजगार तो मिला है। गांव में शौचालय नहीं थे, अब घर घर शौचालय हो गए हैं। सड़कों पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कन्या विद्यालय, बच्चों के लिए पार्क और महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई काम किए गए। यही नहीं, बच्चों का भविष्य बेहतर हो इसके लिए स्कूल में शिक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सर, पहले आदर्श गांव जब नहीं था तो हम लोग बच्चों को पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। हम लोगों को बहुत समस्या होती थी। जब से आदर्श गांव हुआ है, प्रधानमंत्री जी का गांव हुआ है, तब से ये भवन बना है तो बच्चे आ रहे हैं, बच्चे काफ़ी खुश हैं। आंगनबाड़ी भी खुला है और प्राइमरी विद्यालय है। प्राइमरी विद्यालय में यहाँ पर हर जगहों की अपेक्षा अच्छी व्यवस्था है, पर इनके लिए चेयर की व्यवस्था, बुके की व्यवस्था और पूरे लाइट की और पंखे की सारी व्यवस्था है यहाँ पर। कुल मिलाकर जयापुर में विकास तेजी से हुआ, जिसे ग्रामीण महसूस कर पा रहे हैं। वहीं सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जयापुर को मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।